और इसके बाद खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर में संसद का अपमान किया है, जिसको लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के सांसद कार्यकर्ता विपक्ष के सांसदों के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। ये मिमिक्री नहीं मॉकरी, ये लोकतंत्र की मॉकरी है। ये हमारे संसद में गरिमा को गिराता है, ये जाट पुत्र की का अपमान है, किसान का अपमान है, हमारे देश के अपमान लेकर आए। और ये जो ऊर्जावान संघर्ष दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रहा है, इस संघर्ष के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है उसकी ऊर्जावान संरक्षण है तो वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं। खड़े हो जाओ। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला और किस तरह आयोजन किया गया कार्यक्रम का? बिल्कुल बता दें प्रियंका, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो बनाया गया उपराष्ट्रपति को लेकर के काफी निंदा की गई है, और बीजेपी पूरे भारत के अंदर जगह जगह प्रदर्शन किया गया। आज दिल्ली के जनता मंच पर जहाँ पर वीआईपी एरिया लगा वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, इस तरफ किसान भी वहाँ पर उनके समर्थन में पहुंचे थे, इस तरफ बीजेपी के सांसद यहाँ मौजूद थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, भारी संख्या में यहाँ के निगम पार्षद भी मौजूद थे। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह कांग्रेस ने जो मजाक बनाया था उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप सब कहा कि जिस तरह कांग्रेस अब समाप्ति पे है उसी को लेकर ऐसे बयानबाजी में 2024 में जो है कांग्रेस पूरी साफ हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं परवेश वर्मा ने भी यही कहा, जो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी यही कहा। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस है वो बौखला गई है, और उनसे दो जो भी दुकान का जो चुनाव हुए थे उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और लगता है की 2024 में जो चुनाव होंगे इस समय तो कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाए। जी बिल्कुल, कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए थे? देखिए प्रियंका, बात करें तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, जगह खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी संख्या में थी। इस तरफ तो जाट लोग को समाज हुए थे, उनकी भीड़ थी, इस तरफ बीजेपी की भीड़ थी, यानी दोनों ही धनखड़ के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मारामारी हो रही थी लोगों से, यानी कि कुछ भी करने की बात करने की भी जगह नहीं थी। यानी कहीं ना पूरी तरह पोस्टरबाजी करते हुए राहुल गांधी माफी मांगे, जिस तरह उन्होंने धनखड़ के खिलाफ एक वीडियो बनाई टीएमसी नेता के सामने मजाक बनाते हुए, उसको कहने थे कि क्रोध से बीजेपी अब लगातार इस धरना प्रदर्शन लगे, और कल
एक तरफ तो बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कर रही है। कल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रैली होने वाली है बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे भारत में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर यदि बोला जाए तो किसान भी जिस तरह से महापंचायत बुला रहे, एक बार फिर से महापंचायत बुला रहे का ऐलान भी किया था, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है? देखिए, एक संविधान पक्ष के जो जिम्मेदार थे उनका मजाक बनाया, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो बीजेपी ऐसे में कहां चूक करेगी ऐसे मुद्दे को छोड़े, क्योंकि कांग्रेस ने संसद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया था, वहीं उनके मजाक को लेकर के ये ऐलान किया कि अब कांग्रेस को सबक सिखाना है, क्योंकि जिस तरह से समाज जाट को भी जाति भी इसमें शामिल कर दी गई है कि उनका मजाक बनाया, जो किसानों के नेता है, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनका मजाक बनाया गया, वीडियो बनाया गया, सोशल पर डाल दिया गया, कहीं ना कहीं पानी जल चीज है। तो एक धड़कन ने उसको एक्शन भी लिया है और उसका कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अब राजनीति दोनों मैदान में देखना यह होगा कि 2024 में किसके क्या हाथ लगेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। कब तक जारी रहेगा भारतीय जनता पार्टी का यह धरना? देखिए, लगातार अभी 2:30 बजे तक ये समय था, लेकिन कल जिस तरह कांग्रेस करती है तो बीजेपी भी लगातार अब धरना प्रदर्शन मैदान में उतरेगी, अलग अलग जिलों में जाकर बात करेगी, अलग राज्यों में जाकर इस तरह धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक राहुल गांधी या टीएमसी के नेता या ममता बनर्जी का बयान या माफी नहीं मांग लेते, जब तक ये धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दो अहम बैठक चल रही है। बता दें कि केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना चल रही है और प्रदेशों में केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में बनाए गए संवाद केंद्रों को लेकर बैठक की जा रही है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक, सह संयोजक मौजूद है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा में बने कॉल सेंटर के संयोजक भी बैठक में शामिल है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से बीजेपी के मुख्यालय में बैठक चल रही है, केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना के साथ ही साथ कई योजनाओं के संबंध में संवाद केंद्रों के संयोजक के साथ भी बैठक चल रही है, क्या कुछ खास है अलग अलग बैठकों में? देखिए, साफ तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का जो दौर है वो इन दिनों देखने को मिल रहा है, और उसी के चलते आज भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो सुनील बंसल हैं वो पहुंचे हुए हैं लखनऊ, और यहां पर आकर वो पार्टी मुख्यालय पर बैठक ले रहे हैं। उनके साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सभी अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, और इस बैठक के अंदर किस तरीके से सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उसको कैसे पहुंचाने को लेकर जो रणनीति बनाई गई है वो किस तरीके से चल रही, विश्वकर्मा योजना को लेकर हो या फिर अन्य केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर हो, तो वो कैसे कार्य कर रही है, साफ तौर पर उसका मतदाताओं तक कैसे विषयों को पहुँचाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, जो टेलीफोन बूथ जो स्थापित किए गए हैं लोकसभा सीटों को लेकर वो कैसे कार्य कर रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि बूथ लेवल तक किस तरीके से संगठन कार्य कर रहा है उसकी वो समीक्षा आज जो है वो सुनील बंसल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूपी के काफ़ी करीबी से यूपी को जो है वो समझते हैं और यूपी को वो जानते हैं, लंबे समय तक वो यूपी में संगठन महामंत्री के तौर पर रहे हैं और कई जो बड़े चुनाव हैं वो उनके नेतृत्व में यूपी में बीजेपी ने जो है वो जीते हैं, बड़े अंतर के साथ में जीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव है और पार्टी को जनता के बीच में जाना है तो उसको लेकर अब वो बैठक कर रहे हैं, पार्टी की रणनीति को लेकर क्या कुछ होगी, किस तरीके से पार्टी जो मुद्दे उठा रही उसको कैसे जनता के बीच में लेकर जाना है, सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे कैसे संवाद स्थापित करना है और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, इन सभी चीज़ों को लेकर ये एक बड़ी और एक अहम बैठक कह सकते हैं पार्टी मुख्यालय पर चल रही है, प्रदेश मुख्यालय पर, और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सह संयोजक हैं, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। तो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार ये बैठक, कब तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद भी क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? देखिए, बैठक अभी चल रही है, कब तक चलेगी इसका
इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब से मैच कुछ देर तक और चलेगी। एक घंटे से ऊपर का वक्त जो है, दो घंटे का करीब वक्त हो रहा है जब से ये बैठक चल रही है, और उसमें इन सभी मुद्दों को लेकर समीक्षा की जा रही है। और बीजेपी में अगर आप बात करें तो देखें, लगातार इन दिनों जो है वो बैठकें देखने को मिल रही है, लगातार उसकी तरफ से नई नई तरीके से रणनीतियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। उन रणनीतियों को इम्प्लीमेंट करने को लेकर भी बीजेपी लगातार प्रयासरत है, और लगातार उसकी बूथ लेवल पर, जिला लेवल पर, मंडल स्तर पर किस तरीके की तैयारी चल रही है, इसको लेकर भी समीक्षाओं का जो दौर है वो भी लगातार देखने को मिला है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी मुख्यालय में इस समय दो बैठकें चल रही हैं, बैठकों के बाद अलग अलग फैसलों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली की कनॉट प्लेस स्थित बाराखंबा रोड के भोपाल दास बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि 12:56 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही कलेक्ट्रेट के गेट पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बिजनौर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला फूंका है। बता दें कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के विरोध में बीजेपी ने पुतला फूंका है। वहीं कहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, साथ ही कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि दिल्ली गेट चौराहे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। खबर बदायूं से है, जहां बच्चों में विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि लाठी डंडों से मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सिठोलिया पुख्ता गांव का बताया जा रहा है। हापुड़ में पुलिस और 10,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश की पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन बदमाश का एक ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश के ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पंजाब के तरन तारण जिले के दलीरी गांव के खेतों में संदिग्ध ड्रोन मिलने से जानकारी पुलिस को लगी है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई, जहां पुलिस को खेतों में एक ड्रोन पड़ा हुआ मिला, जिसके साथ लगभग 2.5 किलोग्राम हेरोइन वाला एक पैकेट भी बरामद हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रोन और ड्रग्स को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। देखो, पाकिस्तान भावें बॉर्डर ते लगातार ड्रोन एक्टिविटी राही ना जिहड़े साडे नौजवानां नू गुमराह करन दी नीयत नाल हैरोइन भेजदा रहिंदा, परंतु मैं दसना चाहुंदा कि BSF ते पंजाब पुलिस पूरी तरह बॉर्डर ते सतर्क है। अज भी एक इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ थाणा खालड़ा पुलिस नू रिसीव हुई, एक बकरियां चारण वाले व्यक्ति नू कोई अवैध चीज़ जिहड़ी आ खेतां दे विच पई मिली, उसने तुरंत इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ ओह थाणा खालड़ा पुलिस नू दित्ती।
ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ DJ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फतेहपुर के आलमपुर गोरिया गांव के बाहर एक साथ 4 अजगर दिखाई दिए हैं। बता दें कि अजगर का झुंड निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद सभी अजगरों को जंगल में छोड़ दिया गया है। रायबरेली में BJP नेता और पूर्व विधायक की फेसबुक पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि राकेश सिंह ने सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने को लेकर एक पोस्ट की है, जहां उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सरकारी कर्मचारी काम ना करने का वेतन ले रहे हैं, काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। आगे उन्होंने स्वीकारा है कि अभी भी रिश्वतखोरी हो रही है, पूर्ववर्ती सरकारों की देन अभी भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक राकेश सिंह मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई हैं। खबर बिजनौर से है, वहीं एक्सिस बैंक में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग बैंक के सर्वर रूम के पूरे बैंक में फैल गई, जिसके बाद जूनियर मैनेजर के अनुसार बैंक में आग लगने से करीब 15 से 20 लाख का नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हल्की आग शुरुआत हो चुकी थी, जब तक हम लोग चौकी वालों को इन्फॉर्म कर चुके थे, मेरे ब्रांच मैनेजर साहब और क्या नाम है, हम लोग फायर ब्रिगेड को लगातार कॉल मिला रहे थे, बट कॉल नहीं लग पाता फायर ब्रिगेड को। चौकी वालों ने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3:30 बजे लगभग आ पाई और उन्होंने क्या नाम है, ये 3:30 बजे लगभग गाड़ी आई तो उन्होंने क्या नाम है आग बुझाई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।